जिला परिषद कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में दून विधानसभा के पूर्व कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी भी उतरे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 6 दिन से जनता परेशान है और सरकार ने इनके साथ बातचीत करके गतिरोध तोड़ने की कोशिश भी की है। हिमाचल प्रदेश की 85% से अधिक आबादी गांव बसती है। ग्रामीणों के ज्यादातर गांव पंचायतों में ही होते हैं, लेकिन प्रदेश की पंचायतों में जिला परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की हड़ताल होने से 6 दिन से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जिलों के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए पंचायत दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिहाड़ीदार बनाया, उसके बाद जो दिहाड़ीदार थे उनको 8 साल में और 10 साल में डिपार्टमेंट वाइज हमने पक्का करने की सरकारें नोटिफिकेशन की हुई है, तो इनको तो वैसे ही 22 साल हो गए। 22 साल में तो कोई वैसे ही चपड़ासी भी लगा हो बेचारा वो बाहू बन जाता है। तो ये तो बेचारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें जो है वो उसका कर्मचारी माना जाए, ये इनका क्लेम है। जबकि प्रदेश कार्य यहाँ गलत है। 14 जून 1984 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें जिला परिषद के जो कर्मचारी है उनको प्रदेश कार्य का अंग माना गया, कर्मचारी माना गया। और जब इनको भर्ती किया गया था उस नोटिफिकेशन को किसी अधिकारी ने जो है मिल मिला के उसको रद्द किया गया है। सरकार उस नोटिफिकेशन को बहाल करे और इनके लिए अगर सर्विस रूल बनाने की बात आती है तो सरकार सर्विस रूल बनाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सरकार अभी तक सोई हुई है। मुझे कल पता चला कि इस सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, ऑर्डर्स दिए हैं कि पंचायतों के चौकीदार जो सचिव का काम करेंगे, ये बहुत बड़ा मजाक जो है इनके पदों के साथ है। ये नहीं हो सकता कि वो आदमी कोई छुट्टी चला गया है तो उसके जरा ठीक है, किसी को चार्ज जरूर मिल सकता है, लेकिन किसी निचले स्तर के जो चौकीदार स्तर का आदमी है, चाहे वो बेशक 10 पास है, लेकिन वो भी हमारे यहाँ के हिमाचल के आदरणीय नागरिक हैं, लेकिन उनका ये काम नहीं है कि वो सचिव का काम करें। उनको अगर ये सचिव का काम सरकार कराएगी तो इनके साथ बहुत बड़ा मजाक है। तो मैं मांग करता हूँ कि सरकार इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। और मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि ये रोज़ जो है 1 घंटा काली पट्टियाँ बांध के पूरे बाजार में जो है अपना हर ब्लॉक में राउंड लगाए, क्योंकि ये सरकार जो है गूंगी अंधी बहरी सरकार हो गई है। तो इनको इनका पता नहीं चल रहा कि सरकारों लोगों के काम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कई इंटरव्यू चले हुए हैं, उनको सेक्टरी से सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को और कोई प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को और कोई अपने परिवार जिसकी नकल चाहिए, किसी को अपना पेंशन के फॉर्म जो है वो देने हैं, और बहुत सारे काम हैं जो पंचायत स्तर पर इनके माध्यम से किए जाते हैं, वो सभी काम सफल हो रहे हैं। सरकार को शीघ्र इसमें कोई ना कोई निर्णय लेना जो है वो लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। मैं इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर ये सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, आपको ये बाहर नहीं निकाल सकते। मैं कल मैंने धर्मपुर में देखा कि इनको डराने के लिए कार्मिक विभाग से जो है वो बड़े तकड़े नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। आप इसकी परवाह न करें, कांग्रेस की सरकार निश्चित। एनस्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। महीने के बाद आने वाली है, अगर ये सरकार आपका काम नहीं करेगी तो कांग्रेस सरकार आपको कर्मचारी दिहाड़ीदार बनाया, उसके बाद जो दिहाड़ीदार थे उनको 8 साल में और 10 साल में डिपार्टमेंट वाइज हमने पक्का करने की सरकारें नोटिफिकेशन की हुई है, तो इनको तो वैसे ही 22 साल हो गए। 22 साल में तो कोई वैसे ही चपड़ासी भी लगा हो बेचारा वो बाहू बन जाता है। तो ये तो बेचारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें जो है वो उसका कर्मचारी माना जाए, ये इनका क्लेम है। जबकि प्रदेश कार्य यहाँ गलत है। 14 जून 1984 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें जिला परिषद के जो कर्मचारी है उनको प्रदेश कार्य का अंग माना गया, कर्मचारी माना गया। और जब इनको भर्ती किया गया था उस नोटिफिकेशन को किसी अधिकारी ने जो है मिल मिला के उसको रद्द किया गया है। सरकार उस नोटिफिकेशन को बहाल करे और इनके लिए अगर सर्विस रूल बनाने की बात आती है तो सरकार सर्विस रूल बनाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सरकार अभी तक सोई हुई है। मुझे कल पता चला कि इस सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, ऑर्डर्स दिए हैं कि पंचायतों के चौकीदार जो सचिव का काम करेंगे, ये बहुत बड़ा मजाक जो है इनके पदों के साथ है। ये नहीं हो सकता कि वो आदमी कोई छुट्टी चला गया है तो उसके जरा ठीक है, किसी को चार्ज जरूर मिल सकता है, लेकिन किसी निचले स्तर के जो चौकीदार स्तर का आदमी है, चाहे वो बेशक 10 पास है, लेकिन वो भी हमारे यहाँ के हिमाचल के आदरणीय नागरिक हैं, लेकिन उनका ये काम नहीं है कि वो सचिव का काम करें। उनको अगर ये सचिव का काम सरकार कराएगी तो इनके साथ बहुत बड़ा मजाक है। तो मैं मांग करता हूँ कि सरकार इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। और मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि ये रोज़ जो है 1 घंटा काली पट्टियाँ बांध के पूरे बाजार में जो है अपना हर ब्लॉक में राउंड लगाए, क्योंकि ये सरकार जो है गूंगी अंधी बहरी सरकार हो गई है। तो इनको इनका पता नहीं चल रहा कि सरकारों लोगों के काम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। कई इंटरव्यू चले हुए हैं, उनको सेक्टरी से सर्टिफिकेट चाहिए,
किसी को और कोई प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को और कोई अपने परिवार जिसकी नकल चाहिए, किसी को अपना पेंशन के फॉर्म जो है वो देने हैं, और बहुत सारे काम हैं जो पंचायत स्तर पे इनके माध्यम से किए जाते हैं, वो सभी काम सफल हो रहे हैं। सरकार को शीघ्र इसमें कोई ना कोई निर्णय लेना जो है वो लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। मैं इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर ये सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, आपको ये बाहर नहीं निकाल सकते। मैं कल मैंने धर्मपुर में देखा कि इनको डराने के लिए कर्मी के विभाग से जो है वो बड़े तकड़े नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। आप इसकी परवाह ना करें, कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पे जो है वो 3 महीने के बाद आने वाली है। अगर ये सरकार आपका काम नहीं करेगी तो कांग्रेस सरकार आपको कर्मचारी भी बनाएगी और जो कच्चे उनको पक्का भी करेगी।